दोनों के साथ तोड़ दे। एक सम्मान अपने महबूब प्रत्याशी का, बहुत बहुत सम्मान। लाठी उठाओ, इनका इलाज लाठी से होगा। दो चार बार अंदर जाओगे और लीडर बन जाओगे। ये बात सुनी होगी, देखी होगी कि नहीं आपने अखबारों में, पढ़ी तो होगी कम से कम। ये वही मनोहरलाल खट्टर थे जो किसान को लाठी से पीटने के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को उकसाया करते थे, और ये किया भी उन्होंने, क्योंकि मीडिया भी उन्हीं का था, शासन प्रणाली भी उन्हीं की थी। लोकतंत्र के अंदर जब मीडिया का एक हकूक होता है, एक अधिकार हुआ करता है, जिनको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ गिना जाता है, लेकिन सारा का सारा नेशनल मीडिया बिका हुआ था किस तरीके से, बतौर मोदी साहब के, बतौर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में वो काम किया करते थे। कहीं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ कहीं पर भी अन्याय हो, वो अन्याय अनदेखा कर दिया करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हित में दिन रात खबरें लगा करके उनका प्रचार और प्रसार बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नेशनल मीडिया साथी ये काम किया करते थे। तो मैं आपकी याददाश्त हो, क्योंकि 5 अक्टूबर फिर आने वाली है। हमारे में जो कई इतने भोले बड़े किसान भी हैं जिनको लाठी भी पड़ी हो, ये किसान ही था। नमस्कार, आप देख रहे हैं CT71 और इस समय चौधरी अकरम खान जो कांग्रेस के प्रत्याशी है पहुंचे हैं गांव मणिपुर में, और यहां पे आप देख सकते हैं फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया। काफ़ी अच्छा जनसमर्थन मिल रहा है इनको जगाधरी हल्के से। यहां पे सभी ग्रामवासी पूरा समर्थन दे रहे हैं, और अभी अभी अकरम खान जी को जो गांव के सरपंच है उन द्वारा और मोहब्बत अली जी द्वारा और गांव के सभी के सहयोग से उनको यहां पे सिक्कों में तोल के अपने नेता का मान सम्मान बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, खबरों साथ के साथ शेयर करते रहें। ये खबर आप देख रहे हैं CT71 न्यूज चैनल पर। चुनावी फंड में सहयोग राशि बतौर सिक्कों के साथ तोल करके सहयोग किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी, मंच को खाली करें। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथियों का, जो साथी फोटो ले रहे हैं, इनसे भी गुजारिश, तालियों के साथ स्वागत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई कुलविंदर गौड़ा जी, सभी साथी, कासिम भाई, आप भी प्लीज सभी काफले के साथ कदम दर कदम मिला करके अपने हरदीप जी चौधरी अकरम खान जी के साथ साथी पहुंचे, उनका बहुत बहुत इस्तकबाल, धन्यवाद। मैं गुजारिश करूं जो साथी काफले के साथ है, कृपया दाएं बाएं, ताकि ये आपका अपना चुनावी सभा का प्रोग्राम जो साथी बैठे हुए वे भी देख सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। भाई शाहिद खान और मोहब्बत अली, भाई शाहिद खान और मोहब्बत अली वो भी चौधरी अकरम खान जी को चुनावी फंड में सहयोग करते हुए राशि भेंट कर रहे हैं, तोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मणिपुर ग्राम निवासियों का, बहुत बहुत इस्तकबाल और धन्यवाद है आपने इस चुनावी सभा में एक वोट के रूप में समर्थन और भरोसा दिलाने का काम किया। सभी साथी जो खड़े हैं कृपया। मैं गांव मणिपुर में चौधरी अकरम खान का और सारे साथी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। कल एक खुशी की बात देखी मैंने सुखमणि पैलेस में, और वहां काफी लोगों की छाती पर गई जब हमारी बहन कुमारी सैलजा ने कहा कि एक गूंज दिल्ली गई थी और कल वाली गूंज चंडीगढ़ जाएगी। और इन्हीं के साथ मैं इनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।
बनने जा रहे हैं मंत्री जी चौधरी अकरम खान जी। सभी गांव की तरफ से जितने भी बाहर से अतिथि कांत चौधरी अकरम खान जी का यहां पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और मैं वेलकम करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी मंत्री जी से मानीपुर गांव बहुत ही खुश है, ये कहने की बात नहीं है। पीछे लोकसभा इलेक्शन में मंत्री जी की सिर्फ आवाज ही मानीपुर में आई हुई थी, कोई हमारे पास नहीं आया, खुशी की बात है। फिर भी मंत्री जी को 83% वोट मानीपुर से चली थी। अभी हम मंत्री जी को अभी भी हम परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमारी युवा बहुत उतावली थी कि मंत्री जी गांव में आना बहुत जरूरी है। हमारे कम से कम 70 युवा मंत्री जी के बहुत ज्यादा फैन बन चुके हैं और वो हमेशा मंत्री जी को मिलना चाहते हैं। मैंने उनको यह एहसास दिलाया है कि मंत्री जी अगर आपको बाई फैमिली नहीं जानते हैं, जब भी आपने मिलना है केवल इतना ही कहना कि मैं मानीपुर से आया हूँ, दूसरी कोई बात करने की जरूरत नहीं है। और मंत्री जी हमारे काम का बहुत ही लगाव करते हैं, बेशक दिखावा हमारा कम है। हम तो मंत्री जी से यही निवेदन करेंगे कि आगे से मानीपुर गांव को गोद लिया जाए। गांव छोटा ही है, ज्यादा वजन नहीं है गांव का, तो इतना क्या करना है। सभी का भाई आपका यहाँ पर पहुंचने पर धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया सरपंच चौधरी अकरम खान जिंदाबाद। मेरे साथ आए पार्टी के सभी नेतागण, सभी मेरे साथी सम्मानित मंच, एक हाफिज साहब हमारे चंडीगढ़ से, इनका और इनके साथी और दोस्त है, इनका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। सभी मेरे बुजुर्गो, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया जो आपने यहाँ पहुँचने पर फूल मालाओं से स्वागत करा और वजन के बराबर तोला। सबका, गांव वालों का, आयोजकों का, सरपंच साहब और ये भाई भी मेरे बराबर में खड़े हैं, सभी जितने साथी खड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर बदलाव की लहर है, परिवर्तन की लहर, और आप देख रहे होंगे पूरे हरियाणा प्रदेश में कि इस 10 साल के इस राज से आम आदमी, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता परेशान है और अब बदलना चाहती है इस राज को। 36 बिरादरी का राज बनाना चाहती है, किसानों का राज, व्यापारियों का राज, कर्मचारियों का राज, माताओं बहनों का राज, नौजवानों का राज, ऐसा राज बनाना चाहती है। आप 10 साल से मन की बात तो सुन रहे हैं, मोदी जी की मन की बात उन्होंने न कभी किसान की बात करी, न नौजवान की बात करी, न जन की बात करी, और जो उनके बात की सारे जुमले साबित हैं। अच्छे दिन आएंगे, 15-15 लाख आएंगे, काला धन आएगा, महंगाई कम होगी, युवाओं को 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, तो ये सब बातें जुमले ही साबित हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी आज 2019 में इनको बदलना चाहते थे, लेकिन ये फिर आपको गुमराह करके अब की बार 75 बार का एक नारा दिया, मीडिया भी इनके साथ था, नेशनल मीडिया हमारा, वो तो एक तरफा बीजेपी की हवा दिखा रहा था कि 80 सीटें बीजेपी की आएगी। आप लोग भी बह गए, हमारे बहुत से साथी बह गए, और बीजेपी 75 तो नहीं आई, 40 पे रुके, पूरी मेजोरिटी भी निकल गए, तो ये बहकाने का काम करते। आज भी आपके बीच में आएंगे, 2014 में आपने 4 की 4 सीटें इनकी जिताई थी, इस कैबिनेट मिनिस्टर थे, अब भी हैं, डबल इंजन की सरकार जिसे कहते हैं, ये डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, इस डबल इंजन से पूछ लेना कि ये 10 साल में आपने जिला यमुनानगर का कोई एक काम तो बता दो, एक काम कोई बड़ा काम नहीं है। आपके इलाके में नहीं बताए, शिक्षा मंत्री, कोई कॉलेज हमारे इलाके में नहीं, जिले में नहीं, कोई यूनिवर्सिटी चाहिए थी, वैसे शिक्षा मंत्री थे कि यूनिवर्सिटी खोले यमुनानगर में, चलो एक कॉलेज भी दे रहे थे जगाधरी हल्के में, तब भी बात, उनपे तो स्कूलों में मास्टर ही पूरे नहीं हुए, उनका तो एक ही तरफ ध्यान लगा रहा था उनका और उनके परिवार का कि माइनिंग करो बस किसी काम पे करें। तो साथियों, उन्होंने ना कभी काम करा ना करेंगे, आज भी आपके बीच में आएंगे, काम के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, और उनके पास कुछ नहीं है, जाट नॉन जाट के नाम पे वोट मांगेंगे, तो आप समझदारी से काम लेना इस बार।
आपने सारी चीजें देखी है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। किसान आंदोलन आपने देखा है, कैसे किसानों पानी की बौछारें, आंसू गैस, लाठियां और रस्ते कैसे रोके गए। आशा वर्कर्स के ऊपर देखा आपने लाठियां बरसते हुए, सरपंचों के ऊपर जितने कर्मचारी किसी ने आवाज उठाई उनके ऊपर लाठियां। तो साथियों, एक तो काम नहीं करते, ऊपर से आवाज भी सुनने को तैयार नहीं। अगर तब भी कोई नहीं मानता तो ये तो बुलडोजर घर के बाहर खड़ा मिलता है या पुलिस को बाहर खड़ी मिलती है झूठे मुकदमे में। इन सब बातों का आपने बदला लेना है। आने वाली 5 तारीख को इनको बता दो कि जो 36 बिरादरी चाहेगी हरियाणा प्रदेश में वही होएगा, इनका राज ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तो साथियों, हमारा चुनावी घोषणा पत्र भी आपने देखा होगा, सबके लिए, किसान साथियों के लिए MSP का वायदा है। किसी की फसल MSP से नीचे नहीं लेगा, जो MSP सरकार तय करेगी उसी पर खरीद होगी। मेरी माता है, बहने बैठी है, जो सिलेंडर 350 का डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में था और ये बीजेपी वाले कपड़े निकाल निकाल के प्रदर्शन करते थे, आज वो 1100-1200 पहुंच गया। कांग्रेस का राज बनने जा रहा है हरियाणा प्रदेश में। ये गैस सिलेंडर आपको, रसोई गैस सिलेंडर आपको 500 रुपए में कांग्रेस देगी। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, महिला है, विधवा है, विकलांग है या बुजुर्ग है, पेंशन 3000 अभी मिलती है। कांग्रेस का राज बनते ही डबल करेंगे, 6000 रुपए महीना करेंगे, 300 रुपए करेंगे। इसके अलावा गरीबों को पहले 100-100 गज के प्लॉट कांग्रेस ने दिए, आगे प्लॉट भी देंगे, 2-2 कमरों का मकान बना के भी आपको देंगे। साथियों, आप सरकार वो चुनो जो किसान की, व्यापारी की, कर्मचारी की, सबकी हो, 36 बिरादरी की हो। ये जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र है, ये हरियाणा के हर वर्ग के लिए है। आप लहर और परिवर्तन देख रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में होने वाला है। आप जगाधरी हल्के के लोग, उसमें अपना हिस्सा रखना मत भूलना। इसमें हिस्सा बनने, जो सरकार बनने जा रही है उसमें अपना हिस्सा कायम रखो। आपके जितने भी काम है गाँव के, नौजवानों के रोजगार के, 2 लाख पद खाली पड़े हैं हरियाणा सरकार में। कांग्रेस की सरकार बनेगी, आपके नौजवान को रोजगार मिलेगा। अभी तो 10 साल में इनकी कोई देन है तो ये नशा आपके इलाके में देन है इनकी, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। ये सरकार की कमी में नशा फैल रहा है और इनके जो नेता है वो इसमें इन्वॉल्व है। तो इसको खत्म करना है हमने। जब कांग्रेस का राज आएगा, हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ बाकायदा, नशे को खत्म करेंगे और एक दिन हरियाणा प्रदेश को नशा मुक्त बनाएंगे। साथियों, उनकी बातों में बहकना बिल्कुल भी है, बहकाने आपको जरूर रहेंगे, लेकिन अपनी एक एक वोट आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस को देंगे और भारी मतों से जिताए, कांग्रेस को मजबूती बहुत मिलनी है। हमारे साथ जगाधरी से हैं अकरम खान जी, है इस समय मैं मानीपुर में हूँ। सर, स्वागत है आपका मानीपुर में। जी जी, बहुत बहुत आप सुबह से लेके शाम तक जैसे सर 15-20 गांव निकाल रहे हैं, तो क्या जन समर्थन मिल रहा है सर लोगों का? आप देख रहे हैं लोगों में कितना जोश है और भारी जन समर्थन। जी, हमारे साथ सैकड़ों की तादाद में नए साथी जुड़ रहे हैं। जी सर, मजबूत साथी जी, जो अलग अलग पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी से, BSP से, NLO से छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं जी। और एक तरफा माहौल कांग्रेस के हक में। अकरम खान जी, एक तरफ सरकार दावा करती है कि हमने विकास किया है, और मैं जगाधरी का नाम लूंगा कि यहाँ से मंत्री जी बोलते हैं कि हमने सड़कों का विकास किया है और शिक्षा का हर तरफ, लेकिन स्थिति कुछ और ही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा में क्या करा है मंत्री जी ने यहाँ इलाके में, बता दो मेरे को एक काम को शिक्षा के उसमें कराओ फील्ड में। अपने जिले में कोई काम नहीं करा। मैंने अभी अपने भाषण में बात रखी कि आपने कोई यूनिवर्सिटी यहाँ खोलनी चाहिए थी, आप शिक्षा मंत्री ने वो तो छोड़िए, कोई कॉलेज भी नहीं खोला, कोई मतलब पूरे इलाके में मास्टर भी पूरे नहीं कर सकते। जी जी, अच्छा अकरम खान जी, अक्सर होता है घोषणा पत्र जारी होते हैं लेकिन उन पर काम नहीं होता है, आपने घोषणा पत्र में 7 जो आपका घोषणा पत्र में 7 बातें रखी है, क्या उन पे अमल किया जाएगा सरकार बनने के बाद? देखिए, ये घोषणा पत्र कांग्रेस का है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में हमेशा अमल करती है जी सर। और जो वादे जनता के साथ करती है उनको पूरा करती है। ये कोई भाजपा का नहीं है कि जुमले की तरह चल जाए, ये कांग्रेस का है और हर वर्ग के जो भी घोषणा पत्र में लिखे उनको पूरा करा जाए। अकरम खान जी, लास्ट क्वेश्चन है, अब पिछले कुछ दिनों से आपका एक भाषण वायरल हुआ था कि 10 साल के काम को 1 साल में रड़क निकालने का कुछ ऐसा हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा था 10 साल की जो कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के कहा जा रहा है, 10 साल की जो काम की कमी रही है मैं 1 साल में करूंगा। मैंने ये हार नजर आ रही है, बड़े बड़े नेताओं को बुला रहे हैं, कभी केजरीवाल जी आ रहे हैं, कभी योगी जी आ रहे हैं, तो ये तो हार उनकी नजर आ रही है सबको।
तो ये ऐसी हथकंडे अपनाएंगे हमें, तो उनसे यही उम्मीद है कि ऐसे ऐसे काम करें, कोई अच्छे काम तो मेरे को लगता नहीं करेंगे ना पहले करें उन्होंने कभी। ठीक है सर, धन्यवाद।